कि पूरे दिल्ली को सिंधु बॉर्डर की अगर हम बात करें, किसानों ने अब घेरने की तैयारी कर लिया है। किसानों ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल इस वक्त घेर रखा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली पुलिस को घेर लिया है। देखिए अभी तक एक तरफ किसान थे, दूसरी तरफ पुलिस थी, लेकिन अब पीछे से एक और जत्था किसानों का आ गया है और इस तरह से दिल्ली पुलिस अब घिरती हुई नजर आ रही है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस को किसानों ने घेरा, यह अहम खबर। हजारों किसान सिंधु बॉर्डर के ऊपर इस वक्त धरने पर बैठे हैं और वही दिल्ली की सभी सीमाएं ब्लॉक करने का प्लान किसानों ने बनाया है। जी हिंदुस्तान की ये एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी के लिए, क्योंकि किसानों ने दिल्ली को घेरने की तैयारी कर लिया है। मेरे सहयोगी हितेन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए सिंधु बॉर्डर से। इसके अलावा प्रत्युष को आप देख पा रहे हैं, हितेन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हितेन, मैं आपके पास ही इस वक्त आ रही हूँ, सिंधु बॉर्डर पर क्या स्थिति है? बताया तो यही जा रहा है कि पुलिस को घेर लिया गया है। बिल्कुल, पुलिस को दोनों तरफ से घेर लिया है। ये किसान जो है अब कहीं ना कहीं अपने नेताओं के कंट्रोल के बाहर है, और दूसरी तरफ एक फैसला ले लिया गया है। सरकार के सामने 8 मांगे रखी है, तो दूसरी तरफ इन्होंने ये भी फैसला लिया है कि यही बैठे रहेंगे और दिल्ली की सारी बॉर्डर सील करेंगे। यहाँ पे अब पीछे की तरफ में अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाए, जहाँ पे दिल्ली पुलिस थी, ये दिल्ली की सरहद है। दिल्ली की सरहद में दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है, बैरिकेडिंग उन्होंने खोल रखी है कि बुराड़ी जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन किसान अब अड़े हुए हैं कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे, वो यही बैठे रहेंगे, यही डटे रहेंगे और यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आगे आगे देखेंगे तो आपको एक और जत्था दिखेगा। हाँ। पंजाब से ही वो किसान पहुंचे हैं। हाँ। दूसरे रास्ते से पहुंचे और दिल्ली पुलिस को उन्होंने घेर लिया है। ठीक है, यही तस्वीर हमें दर्शकों तक पहुंचानी थी, यही तस्वीर हमें दर्शकों तक पहुंचानी थी कि किस तरह से अब दिल्ली पुलिस बीच में है और आगे और पीछे से किसानों ने उन्हें घेर लिया है। रुख इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर का भी कर लूं, प्रत्युष वहां पर मौजूद है। प्रत्युष, टिकरी बॉर्डर से भी दिल्ली आने वाले सामान को, लोगों को, हर चीज को ब्लॉक करने की अब तैयारी, क्या तस्वीर है उधर? देखिए सर, इन लगातार हिंदुस्तान सुबह से खबरें दिखा रहा है और जिस बात का जिक्र अभी हितेन कर रहे थे कि दूसरी साइड से भी पुलिस को घेरने की कोशिश है, ये आपको याद होगा कि सुबह जब हमने यहाँ पर किसानों से बात की थी तो किसानों ने यही बात कही थी उस वक्त कि हमें कहीं नहीं जाना, जंतर मंतर नहीं जाना, रामलीला मैदान नहीं जाना, बुराड़ी मैदान हम नहीं जाएंगे, हम दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। और देखिए वही स्ट्रेटेजी निकल करके सामने आई है, यानी कि अब ये किसान यहां से आगे नहीं जाएंगे, जो बैरिकेड्स है इसके आगे नहीं जाएंगे। अब इनकी मर्जी पर है कि ये कितनी देर तक यहां पर या कितने दिनों तक यहां पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। ये कह रहे हैं इसी तरीके से हम दिल्ली जयपुर मार्ग को जाम करेंगे, इसी तरीके से हम आगरा हाईवे को जाम करेंगे, चारों तरफ से दिल्ली राजधानी को हम काट देंगे ताकि जो फूड सप्लाई चेन है उस पर असर पड़े। बिल्कुल, ये सरकार को झुकाने की तैयारी है, प्रदेश की सरकार को झुकाने की तैयारी है। तो टिकरी बॉर्डर पर भी इजाजत दे दी गई है, दिल्ली आप जाइए, लेकिन किसान तस से मस होने को तैयार नहीं है। अब मैं जरा यूपी बॉर्डर का रुख भी कर लूं, क्योंकि रमन उधर मौजूद है। रमन, ये स्ट्रेटेजी हर तरफ से किसानों की है, दिल्ली में आने वाली सप्लाई को रोक दो और उसके बाद सरकार को झुकाओ, क्या तस्वीर आपकी तरफ? देखिए शालिनी, बिल्कुल इस वक्त मैं यूपी बॉर्डर पर हूँ, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर। यहाँ पे देख सकते हैं धरने पे किसान बैठे हुए हैं और आज भी सुबह उन्हें कहा गया था कि पुराड़ी की तरफ चाहिए, लेकिन जैसे सुबह राकेश टिकैत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। उनके किसानों के ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ से आगे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो पंडाल है, जिसे किसान गेट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जब आगे बुराड़ी जाने की बात की जाती है तो कहते हैं नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ बॉर्डर पर ही रहेंगे। सर, क्यों नहीं जा रहे बुराड़ी की तरफ, क्यों नहीं जा रहे आप लोग? अब जब चौधरी साहब आदेश करेंगे, जैसा भी चौधरी साहब का आदेश होगा वैसे ही तो करेंगे हम। ये बॉर्डर पे ही बैठे रहेंगे या जाएंगे आगे मांगे मांगने के लिए? नहीं, मांगे तो सरकार मान लिया, किसान की इतनी समस्या है, बातचीत से ही हल होंगी ना, तो बातचीत ले जा ही नहीं रहे आप लोग। बातचीत के लिए जाने कहां दे रहे हैं भाई, चौधरी साहब ने बुलावेंगे तो बातचीत करने के लिए तो यहाँ आए हैं। बातचीत करें किससे? किसान कौन तैयार है बात करने को? वो कह रहे हैं बुराड़ी जाइए फिर आइए, उसके बाद सारी सरकार बात करेगी। वो कह रहे हैं कि बुराड़ी जाइए, वहीं लौट ही आराम करिए, वहीं हम हैदराबाद में चुनाव की तैयारी कर लें, आप बुराड़ी में जाकर लौट जाओ।
ये किसानों की बिल्कुल शंका है कि अगर वो बुराड़ी चले गए तो वहां उन्हें रोक दिया जाएगा और उसके बाद वो उस तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे जितना कि बॉर्डर पर बैठकर वो इस बात को अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, रमन में लौट चुकी, रमन आपके पास में लौट चुकी, हितेन का जरा मैं रुख कर लूं। हितेन, क्या स्थिति तनावपूर्ण इतनी दिखाई दे रही है कि पुलिस के ऊपर किसान क्या यहाँ पर हमला भी कर सकते हैं? ऐसी तस्वीर तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि पुलिस बीच में घिर गई है जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, तनाव वाली स्थिति नहीं है, ये तस्वीरें हैं, ये किसानों की जो स्ट्रेटेजी है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरना, तो उन्होंने दूसरे रास्ते से पंजाब से आना पसंद किया और दिल्ली पुलिस को अब घेर लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार उन्हें अपील कर रही है कि अपने साथियों के साथ वो भी जुड़ जाए अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जो है वो अपना जमाव ना जमाए। हम किसानों से ही बात करते हैं, सर क्या अंदर जाके बैठेंगे अपने साथियों के साथ? क्या बोला? अंदर अपने साथियों के साथ आप बैठेंगे जाकर कि यही बैठेंगे? मेरे से साठ लगी है कि मैं तो बैठा नहीं जा रहा, कि हम इसी जथे के पास नाल ही आए हैं, यही बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, साठ लगी है। क्या कुछ और किसानों से बात करेंगे कि पाजी ये बताओ, आप लोग अंदर जाएंगे कि यही बैठेंगे? यही बैठेंगे, अंदर दोनों तरफ से घेरेंगे है, दोनों तरफ से? हाँ, दोनों चार चपेरा घेरेंगे, दिल्ली का चार चपेरा। मोदी नूं पता लग जाएगा कि किसान आए पंजाब से। लेकिन लेकिन आपके साथी अंदर हजारों की लाखों की तादाद में बैठे हुए, तो आप दूसरा सड़क क्यों जाम कर रहे हैं? ये जाम कर रहे हैं दिल्ली जी, ना को आने देंगे ना जाने देंगे, दिल्ली में चार शिविरा में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हितेन, बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए। प्रत्युष और रमन ने भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, एक और बड़ी खबर आ रही है, किसानों ने अब नरेला रोड को भी जाम कर दिया है। ये बड़ी खबर, नरेला रोड को भी किसानों ने किया जाम, मतलब दिल्ली की ओर आने वाली हर सड़क के ऊपर बैठ जाओ, रोड को जाम कर दो और सप्लाई दिल्ली की बाधित करो। ये बड़ी खबर इस वक्त की, तीन बॉर्डर से तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई। और अब अहम खबर आप ये भी जान लीजिए, नरेला रोड को जाम कर दिया किसानों ने। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। पांच भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।